है लाल दाल की खिचड़ी, जो प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन काली मिर्च जीरा ये चीज़ें डाल के मैं उसको फ्राई करूँ। फ्राई करने के बाद मैं उसमें पानी डाल के छोड़ दूँ। पानी डाल के छोड़ने के बाद ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, लाल लाल और चावल। उसके बाद मैं उसमें चावल डाल के उसको बॉईल करके उसको दम पर रख दूँगी। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और सब खैरियत है? और आज 8 मुहर्रम है तो सब लोग घर में हैं, और बकरीद की वजह से सबका खा खा के जोश की वजह से दिल भी भर गया, तो मैंने बोला क्यों ना कोई हल्की सी चीज़ बनाई जाए। तो मैं बना रही हूँ लाल दाल की खिचड़ी चावल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखा, मैं लाल दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने प्याज चावल लहसुन अदरक ये सारे मसाले फ्राई करके उसमें मैंने चावल डाल। जैसे कि पहली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं खिचड़ी का जो है ऑयल के अंदर प्याज डाल के ब्राउन कर रही थी, और थोड़ी सी काली मिर्चें नमक और ज़ीरा वगैरह भी डाल के। तो अब ये मैंने खिचड़ी रख दी पकने के लिए, बस ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं इसको रखूँगी दम पर। अगर आप लोगों को खिचड़ी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।